जब तक यह संसार है तब तक मैं और आप हैं, तब तक यह ग्रह है और ऐसे ही यह ग्रह हमें अपने अच्छे और बुरे परिणाम देते रहेंगे। शुभ और अशुभ परिणाम हमारे जीवन से जुड़े रहेंगे, लेकिन इन शुभ और अशुभ परिणामों का रिश्ता हमारे कर्मों से भी होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के राशिफल में। आज का राशिफल है 12 दिसंबर 2018। ग्रहों का गोचर करना ही राशिफल की नींव है। चंद्रमा की चाल पर आधारित है यह राशिफल। आप सभी राशि वालों के लिए जीवन में यह राशिफल सटीक बैठे, मैं इस विश्वास से यह राशिफल आपके समक्ष लेके आया हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं इस राशिफल को आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, ताकि आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट परेशानियाँ मैं आपको पहले से बता सकूँ, ताकि आप अपने दिन को शुभ बना सके। आज का राशिफल दिनांक 12 दिसंबर 2018 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी, नक्षत्र रहेगा श्रवण 16:37 तक, योग रहेगा व्यघात, सूर्य राशि रहेगी वृश्चिक, चंद्र राशि रहेगी मकर, सूर्य नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा। अभिजीत मुहूर्त आज कोई भी नहीं है, यानी आज शुभ मुहूर्त नहीं है। राहु काल रहेगा 12:14 से 13:31 तक, तो राहु काल में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं मेष से मीन तक की सभी राशियों में क्या छुपा है आज के दिन। क्या आज आप मनचाही सफलता प्राप्त कर पाएंगे? क्या आज आप सभी लोगों का नाम होगा? क्या आज आपको आपका प्यार व सम्मान मिलेगा? क्या आज आप जीवन में सफल रहेंगे और कौन कौन सा उपाय आज आप करें जिससे आप सफल बन सकते हैं और जीवन में आने वाले कष्टों को दूर कर सकते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए प्रयासों में कुछ मेहनत और संघर्ष अधिक होगा। आज आपका स्वभाव दयालु व निर्मल होगा। व्यापार हो या नौकरी, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप स्त्रियों के माध्यम से धन प्राप्त करेंगे, इसलिए किसी भी महिला का अपमान ना करें। आपको विदेश यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। जीवन साथी से दोपहर तक तनाव की स्थिति रहेगी, उसके बाद समय सामान्य हो जाएगा। प्रेम संबंधों में आप खट्टे मीठे अनुभवों से आज गुजरेंगे। आज आपको व्यापार नौकरी से लाभ संघर्ष व कड़ी मेहनत से मिलेगा। पारिवारिक सुख शांति मिलेगी। आज आप लोगों के बीच चर्चित व प्रसिद्ध महिला या पुरुष होंगे। माता जी से संबंध बढ़िया होंगे। छात्रों को आज के दिन बड़ी सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ते हैं। आज आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आज किसी से विवाद बिल्कुल ना करें, अन्यथा आप पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं। नए विवाह प्रस्ताव आज आ सकते हैं। सेहत आपकी सामान्य से ऊपर रहेगी। आज आप नया मित्र बना सकते हैं। और आज का उपाय क्या है? ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला और हनुमान जी की आरती करना आपको शुभ रिजल्ट देगा। वृषभ राशि, आज आप विद्वान व साहसी होंगे। आज आपका शरीर बलवान रहेगा। आज के दिन आपको संघर्षों व मेहनत का फल मिलने का दिन है। आज आप अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे। आज का दिन धन कमाने के लिए बढ़िया रहेगा। आज आप यात्रा करने के शौक को रखेंगे भी और पूरा भी करेंगे। आज आप पराक्रमी रहेंगे। धर्म कर्म ईश्वर में आपकी अच्छी रुचि रहेगी। आज के दिन आपको विदेश या विदेश में बसे लोगों से विशेष लाभ मिल सकता है। आज आप कुछ लोगों की बुरी संगति में पड़कर धर्म के विरुद्ध जा सकते हैं और धन भी कमा सकते हैं। संतान संबंधी चिंता आपको परेशान करेगी। आज आपको बड़े भाइयों से कष्ट मिल सकता है। आज आप धर्म से जुड़ेंगे। आपके पुत्र को शाम होते तक कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज के दिन परेशानियां बहुत कम समय के लिए आएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको परेशान अवश्य करेंगी। नौकरी व्यापार कार्य क्षेत्र में आप कर्म को प्रधानता देंगे। आज आप अपने पिता का सम्मान करेंगे। पत्नी के साथ संबंधों में छोटी मोटी बात पर तनाव संभव है। प्रेम संबंधों में आप अपने प्रेमी के साथ मधुर पल बिताएंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी नए रिश्ते आ सकते हैं। सरकारी पक्ष की तरफ से आपको सम्मानित किया जा सकता है। आज का उपाय रहेगा, आज के दिन आप सफेद गाय को रोटी के साथ गुड़ अवश्य खिलाएं। मिथुन राशि, आज का दिन आपका शुभ अशुभ फलों से मिला जुला रहेगा। आज आप जी तोड़ मेहनत करने वाले होंगे। खेल कूद में आपका मन खूब लगेगा। सरकारी पक्ष से आप लाभ कमा पाएंगे। आज आप कुछ बुरे लोगों की संगति करके अपने धन व सम्मान की हानि कर सकते हैं।
आज आपके द्वारा कुछ ऐसे काम होंगे उससे यह प्रतीत होगा कि आपने यह काम समझदारी से सूझबूझकर नहीं किए हैं, जिसके कारण आपको उसमें असफलता मिल सकती है। धन हानि के योग दिखाई पड़ रहे हैं आज। पैसा आने के रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी, लेकिन मित्र से दूरी संभव है। अनचाहे फल मिलने के कारण आज मन दुखी रहेगा। जीवन साथी के साथ आज आप वासना में डूबे रहेंगे। माता जी को कष्ट हो सकता है। किसी पारिवारिक बंधन में आप बंधने से परेशान हो सकते हैं। शत्रु भी मौका नहीं छोड़ेंगे, सावधान रहें। आज छात्रों का मन पढ़ाई में लगना कठिन होगा। आज आप दूसरों के धन से उनकी शान शौकत से जलकर ईर्ष्यालु हो सकते हैं और गलत तरीके से धन कमाने का कोई तरकीब सोच सकते हैं। आज आपको मनोविकार, आंखों की तकलीफ, शारीरिक पीड़ा, सूजन, दांत संबंधी रोग हो सकते हैं। आज के दिन आप थोड़े थके थके से आलसी प्रवृत्ति के होंगे और हर शब्द को आप तोल मोल कर बोलें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और उपाय क्या करना है आज आपको? आज के दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना विशेष लाभ देगा। कर्क राशि। आज का दिन आपका आर्थिक मामलों में यानी धन कमाने के लिए बेहतर कहा जा सकता है। आज आपको आपका उधार दिया गया पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन और सभी कामों में दिन अच्छा नहीं जाएगा। आज आप समझदार होंगे, लेकिन समझदारी करते करते कुछ काम ऐसे कर देंगे जिसमें आपकी मूर्खता दर्शेगी। आज आप अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझकर धोखा खा सकते हैं। आज आप स्वयं को ठीक मानकर दूसरों पर आरोप भी लगा सकते हैं। वैवाहिक जीवन का सुख कम होगा, मित्रों से कष्ट मिलेगा, आपका धन भी अधिक खर्च होगा। यात्राएं कष्टकारी होंगी, आपका कमाया हुआ धन बेकार हो सकता है, पैतृक संपत्ति का भी नाश हो सकता है। आज आप अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता को बखूबी निभा नहीं पाएंगे। यदि आप वकील हैं तो बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। साझेदारी में झगड़े हो सकते हैं। आज आप वासना में आकर अपना कीमती समय खराब कर सकते हैं। आज आप अपने व्यापार में तरक्की पाने के लिए अनेक परिवर्तन करेंगे। आज महिला हो या पुरुष किसी विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होगा। यात्रा बहुत संभल कर करें। आपका जीवन साथी या प्रेमी के साथ कोई पुराना विवाद संबंधों में खटास लेकर आएगा, सावधानी रखें। उपाय: आज के दिन मछलियों को उबले हुए चावल खिलाना व शिव आराधना करना विशेष लाभ देगा। सिंह राशि। आज के दिन आपको नौकरी में तकलीफें आ सकती हैं। घरेलू रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपके निर्णय गलत साबित होंगे। आज आपके अंदर यह विशेष गुण होगा कि आप शत्रु को पहचान लेंगे। कर्जों का बोझ बढ़ सकता है। आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे। आज आपकी पुरानी बीमारी दूर होगी। आज छात्रों को लाभ होगा। आज आप घरेलू पालतू जानवरों से प्रेम करेंगे या कोई पालतू पशु घर भी ला सकते हैं। आज आप किसी की बात का जल्दी बुरा मानकर दिल से लगा बैठेंगे। आज आपको किसी अनजान महिला व पुरुष के हाथों से कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। आपकी माता जी या नानी की तबीयत बिगड़ सकती है। आपके अपने मामा से संबंध खराब हो सकते हैं। आज आप पूजा पाठ करके अच्छा फल प्राप्त कर पाएंगे। आज आपको दांत संबंधी रोग हो सकते हैं, होठों संबंधी रोग भी हो सकते हैं। आंख व पेट संबंधी रोगों से बचने के लिए अच्छा और समय पर भोजन खाएं, सावधानी रखें। कानूनी मामलों में आप विजयी होंगे। आज आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। और आज का उपाय क्या रहेगा? आज के दिन शिव जी को लाल चंदन लगाकर जलाभिषेक करें और चावल का दान करना शुभ रहेगा। कन्या राशि। आज आप बलवान होंगे। आज आपके घर कन्या का जन्म हो सकता है। आज आप यदि पशुओं का कोई व्यापार करते हैं, दूध इत्यादि बेचते हैं, तो लाभ की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। आज के दिन आप विदेश यात्रा में पड़ने वाली बाधाओं को सूझबूझ से दूर करके सफलता का मार्ग बनाएंगे। आज आपको अपने अधिकारियों के दबाव में काम करना पड़ सकता है, बंधनों में काम करना पड़ सकता है। यदि आप प्रवक्ता हैं तो आज आप काफी धन कमाएंगे। आज आप धैर्य नहीं रख पाएंगे। आज आपके दिमाग में अनेक नकारात्मक विचार आएंगे। आज शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं। आज आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं, जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। आज आप पैसों के लेन देन के मामले में विशेष सावधानी रखें। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले या तो सलाह लें या दो बार और सोचें। आज आप जीवन साथी के माध्यम से धन व सम्मान भी कमाएंगे, लेकिन आप उनका धन्यवाद नहीं करेंगे और अपने ही घमंड में रह सकते हैं, अहंकार में रह सकते हैं। आज आप अपने रहस्य छुपाकर नहीं रख पाएंगे। आज आपको दवाओं का असर कम होने की वजह से शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे। आज आप किसी को भी अपने प्रेम व सौंदर्य का दीवाना बना सकते हैं। संतान का सुख कम मिलेगा।
छात्रों को भी शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा होगी, प्रेम संबंध तनावपूर्ण रहेंगे। उपाय, आज आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और शिव जी की उपासना अवश्य करें। तुला राशि, आज आपको मिले जुले फल प्राप्त होंगे। शारीरिक तौर पर आप बलवान और शूरवीर होंगे। अधिकतर मामलों में आपकी भाषा मधुर रहेगी, लेकिन अचानक से क्रोध के कारण आप चंचल प्रवृत्ति के और लोगों को सताने वाले और परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। पैतृक धन की हानि करने वाले होंगे आज आप। देश विदेश में भटकने वाले आज अच्छे मित्र भी आपसे मुंह मोड़ सकते हैं। आज आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, इसलिए अच्छी जगह से साफ सुथरा भोजन खाएं। माता जी का कम सुख मिलेगा, माता जी की सेहत खराब रहेगी, दिमाग में क्रोध आएगा और आप अपनी नौकरी या व्यापार में ठीक से टिक कर काम नहीं कर पाएंगे। आज आप स्त्रियों के प्रति वासना रखेंगे और वासना में ही आसक्त रहेंगे। हर सुख संघर्ष से मिलेगा। प्रेम संबंधों में पुरुष महिला पक्ष से झगड़ा कर सकते हैं। दिन को सावधानी पूर्वक बिताने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा और वाणी से किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, अन्यथा आप विवादों में फंस सकते हैं। आज का उपाय, आज आप माँ दुर्गा व शिव जी की उपासना से दिन को बढ़िया बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज आप बलवान और धैर्यवान रहेंगे। आज आपको स्त्री सुख मिलेगा, बढ़िया भोजन का आप आनंद लेंगे। आज आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन मन में कोई अनजाना सा भय भी रहेगा। भ्रम होने के कारण मन में चिंता रहेगी। आज आप अंधविश्वासी होंगे। भाइयों के द्वारा कष्ट संभव है, मित्रों से झगड़े भी संभव है। हाथों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। आज आप यात्राएं संभल कर करें, लेकिन आज आप दान धर्म में भी रुचि रखेंगे। जीवन साथी या महिला मित्र के साथ विदेश यात्रा के अवसर भी आपको मिलेंगे। आज आप कंजूस प्रवृत्ति के होंगे। आज आप नौकरी व्यापार में अपने काम करने के तरीकों को बदलेंगे, जिस कारण कुछ कामों में तो आपके मन की इच्छा के अनुसार फल मिलेंगे, लेकिन कुछ में मन की इच्छा के विपरीत फल मिलेंगे, तो मिला जुला असर रहेगा। आज आप शत्रुओं के प्रभाव में रहेंगे। आज आप अंदर से दुखी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दिखाई पड़ेंगे। किसी भी विवाद में व्यर्थ में पड़ना हानि पहुंचाएगा। मांसपेशियों का दर्द, सर का दर्द, मनोविकार बढ़ सकता है। उपाय, आज आपको हनुमान चालीसा और शिव चालीसा पढ़नी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप विशेष लाभ देगा। धनु राशि, आज आप मीठी वाणी बोलने वाले जातक या जातिका होंगे, लेकिन आपका मन परेशान रहेगा। आज आप भ्रमित रहेंगे। आज आपको ऐसा लगेगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। कामों में दिक्कतें आएंगी। आज आप धर्म के विरुद्ध जाकर काम कर सकते हैं। विद्या प्राप्ति में बाधा आएगी। आर्थिक मामलों में समस्याएं पैदा होंगी। नौकरी हो या व्यापार हो, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे। पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। मुंह संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आज आप घर परिवार या अन्य किसी महिला पुरुष से आदर सत्कार से बात नहीं करेंगे, जिससे आपका रुतबा कम होगा और आप समाज में अपमानित भी हो सकते हैं। मित्रों के साथ कलह कलेश हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी बात को लेकर। व्यवसाय में घाटा होने की संभावना है, तो पैसों का निवेश संभल कर करें। आज आपकी वाणी में दोष रहेगा, आप कटु वचन बोल सकते हैं। पारिवारिक कलह कलेश बढ़ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में और नई नौकरी के क्षेत्र में विदेश जाने के लिए दिक्कतें आएंगी। वासना में आप आसक्त रहेंगे, इसलिए अपने कामों में मन नहीं लगा पाएंगे। नेत्र रोग परेशान कर सकते हैं या आंखों में चोट लग सकती है, सावधानी रखिएगा। तो आपके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ नहीं है धनु राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं उपाय की। हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए अति शुभकारी रहेगा। मकर राशि, आज आपको कुछ शुभ फल मिलेंगे, कुछ अशुभ फल मिलेंगे। आज आप अपनी परिश्रम पर पूर्ण विश्वास रखेंगे और अपने परिश्रम और संघर्ष के बल पर धनवान भी बन सकते हैं। भाई बंधुओं का साथ मिलेगा और आप सुखी रहेंगे, लेकिन अशुभता के कारण मन में आपके संशय या भय रहेगा। आप डरपोक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाई देखते ही आप मैदान छोड़कर भाग सकते हैं या विचलित हो सकते हैं। आप भय के कारण व्याकुल और चिंताग्रस्त रह सकते हैं। मन में घबराहट पैदा होगी, आपका मन भ्रमित रहेगा और मानसिक चिंता अधिक रहेगी। आज आप खराब संगति के साथ पढ़कर अपने धन और मान सम्मान की हानि कर सकते हैं।
आप झूठ बोलने पर ज्यादा यकीन रखेंगे, विद्या अर्जित करने में छात्रों का मन नहीं लगेगा, आपकी शिक्षा में कोई व्यवधान या दिक्कत भी आ सकती है। यदि आप किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं या फिर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सब जगहों पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी होंगी जो आप जानबूझ के कर लेंगे और बाद में पछताएंगे। आज आपके भाई बंधुओं से आपको कष्ट रहेगा, भाई बंधु से आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते खराब रहेंगे, जीवन साथी या संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आज ऐसे लोगों के आप प्रभाव में आ सकते हैं जो खराब लोग हैं। आपकी संगति हमेशा अच्छी रहे इसका प्रयास करिएगा। आपके शरीर में पीड़ा, दर्द इत्यादि बढ़ सकती है, पेट की तकलीफ बढ़ सकती है, और आज के दिन आप धन का निवेश बड़ी ही सोच समझ कर करें। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन आपके लिए डर में बीतेगा, संशय में बीतेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे मैं करूं कि ना करूं। प्रेम संबंधों में भी ऐसा ही कुछ चलेगा। तो आज रिश्तों के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। तो आपको उपाय क्या करना है, यदि आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सुबह और शाम और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, तो निश्चित तौर पे चली आ रही दिक्कतों से आपको थोड़ी सी राहत अवश्य मिलेगी। कुंभ राशि, आज आपको राजा के समान सुख भोगने के कुछ अवसर अवश्य मिलेंगे। आज आपकी आंखों की भाषा, आपके चेहरे की भाषा, आपके सौंदर्य का रूप इतना प्रबल होगा कि सामने वाला व्यक्ति उसमें बड़ी ही आसानी से आ सकता है। आज आप शास्त्रों को पढ़ने में भी रुचि दिखाएंगे, शत्रुओं को पराजित करने का दम आप में रहेगा। आप धार्मिक कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं, आप और अच्छे कामों में आज धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ अशुभ परिणाम भी आज दिखाई पड़ते हैं। आज आपका स्वभाव बहुत चंचल रहेगा जिस कारण आप एक जगह पर टिक नहीं पाएंगे, आप किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप भ्रमित रहेंगे, आज कुछ हद तक आप डरपोक भी रहेंगे, आपका मन अशांत रहेगा, आपकी कोई पुरानी संपत्ति इत्यादि में भी दिक्कतें आ सकती हैं। आज आपको आंखों में चोट लगने की समस्या हो सकती है, पेट के रोग बढ़ सकते हैं या कष्ट हो सकता है, या फिर प्राइवेट पार्ट्स में भी आपको या गुप्तांगों में भी कष्ट हो सकता है। आज आपको मांसपेशियों का दर्द हो सकता है, आज आपको मामा से कम सुख मिलेगा या आपके मामा से आपकी किसी बात को लेकर लड़ाई हो सकती है। आज बहुत सी यात्राएं करनी पड़ेंगी लेकिन यात्राएं सफल नहीं होंगी। आज आप लोगों के बीच में उठे बैठेंगे नहीं, एकांत को पसंद करेंगे। आज आपको निंदित होना पड़ सकता है, आज आप थोड़े भावात्मक होंगे, प्रेम और इत्यादि को आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए प्रेम संबंधों में धोखा हो सकता है। आपको विदेश यात्रा के मौके मिलेंगे लेकिन आपकी नासमझी की वजह से यह मौके हाथ से निकल भी जाएंगे। आज आपके शत्रुओं की संख्या अधिक होगी। आज के दिन आपके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आपको सीमित साधनों के साथ काम करने की सलाह दी जा सकती है। आज के दिन आपके नौकरी व्यापार में आपके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है या आपकी जो सीमा का क्षेत्र है उसको और कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, आपके खर्चे बहुत होंगे, पत्नी से विवाद हो सकता है, पति से विवाद हो सकता है, परिवार में कलह कलेश भी हो सकता है। तो आज के दिन को सावधानी पूर्वक बिताएं तो ही अच्छा दिन बीतेगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप सभी को आज चावल का दान करना बहुत शुभ रहेगा, उसके साथ साथ मछलियों को चावल खिलाना बहुत ही शुभ रहेगा और आप अच्छे दिन की कल्पना कर सकते हैं। मीन राशि, आज आपके चेहरे से जो भाव दिखाई पड़ेंगे वह किसी को भी मोहित कर सकते हैं। आज आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा, पैसा खर्च करने का शौक होगा, आप संतुष्ट रहेंगे, उत्तम शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। आज आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, आपका हसमुख स्वभाव एकदम से क्रोध में बदल सकता है, आपकी सरल और सीधी भाषा कठोर हो सकती है,
आज के दिन आप बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, लोकप्रिय व्यक्ति होंगे, लेकिन आप अपनी किसी हरकत की वजह से या कम जानकारी की वजह से स्वयं ही अपना नुकसान भी कर बैठेंगे। दूसरों की प्रशंसा आप करेंगे और आज आपकी प्रशंसा शायद कम ही लोग करें। आज एक मामले में आपको फायदा होने वाला है कि आप आमदनी के नए स्रोत बना पाएंगे। आज के दिन आप भाग्यवान रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप शुभ परिणामों को अशुभ परिणामों में बदल सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। आज आप जो काम शुरू करेंगे उसको अधूरा छोड़ देंगे या उसमें टाल मटोल करेंगे। आज आप शत्रु से भयभीत रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब शत्रु बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा तो आपके क्रोध के सामने शत्रु डरकर भाग भी जाएगा। संतान से संबंधी चिंताएं आपको रहेंगी, पेट संबंधी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो प्रयास बहुत अच्छे करिएगा, अपनी सभी कागजी कार्रवाई को पूरा अवश्य कर लीजिएगा, तभी प्रयास करिएगा। आज आप ईमानदार व्यक्ति होंगे, लेकिन बीच बीच में आपके मन का ठहराव एक जगह ना होने की वजह से आप विचलित और इधर उधर फालतू की जगह पर घूमने वाले भी हो सकते हैं। आज के दिन आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे, इसलिए बच्चों पर कोई अतिरिक्त भार ना सौंप दीजिएगा। आप यदि आज अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो संघर्ष मेहनत अवश्य करिएगा, किस्मत चमक सकती है। अब बात करते हैं उपाय की, कौन सा ऐसा उपाय जो सभी मीन राशि वालों के दिन को शुभ कर देगा। आज के दिन आपको किसी शिवालय में जाना चाहिए, वहां के पुजारी को पीला वस्त्र दान देना चाहिए और साथ ही साथ एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से चावल मिलाकर जलाभिषेक करना चाहिए शिव जी का, और हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष शुभ रहेगा। तो यह था 12 राशियों का राशिफल। उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ जाए। हरिओम, नमस्कार।